धरने में और विशेष जो हमारे विद्यालय के फाउंडर थे उनके जो 12वें गुरु हैं वो भी आके गए हैं। तो ऐसी महान धरनी पर दिलों से हृदय सवेरे दिल के सच्चे मन के सच्चे दिल के सच्चे मन के सच्चे हमारे यहाँ अभी मेहमान पधारेंगे, हमारे यहाँ भी मेहमान पधारेंगे। तो किनारे पे खजाने नहीं मिलते, सागर के किनारे पे खजाने नहीं मिलते, जो लंबे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते, जो लंबे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम सब प्रभु प्यार की मस्ती में, आओ डूब जाए हम करेंगे जो बाबा की नजर में अभी भी चल रहे और आगे भी अपना तन अपना मन अपना धन सफल करेंगे। तो चले हमारी जो भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव की, घर में कोई आते तो क्या करते हम, ना मेहमान ऐसे आते तो उनको पाव धोने के लिए पानी रखते हैं, उसके बाद उनको पानी देते पिलाने के लिए। तो आज हम भी अतिथि देवो भव की परंपरा निभाएंगे। तो बहनों से निवेदन है जो भी हमारे स्टेज पर अतिथि मेहमान है स्वागत करेंगे, जो भी सम्मान वाले सम्मान की मूर्तियां वो सामने बैठ जाएंगे। ये हुनर ये साथ ही देखिए तो स्वागत करने के लिए मैंने अच्छे बहुत भाग्यवान है हम परमात्मा के बच्चे कि परमात्मा पिता भी वहाँ परम धाम से आगे भी रहेगा, इसलिए परमात्मा की मर्जी रहेगी तो आगे भी ऐसा सम्मान करते रहेंगे परमात्मा पिता हमारा। इतिहास बदलने वाले हम ही परमात्मा पिता के बच्चे सम्मान में बैठे भाई बहन थी तेजराम भाई है चंपारण से, परस भाई है चंपारण से, नानूराम दादाजी ने बिहारी भाई अजय जी सबका सम्मान करेंगे। साफा दुपट्टा माला संतोष भाई है, राधेश्याम भाई, सालिकराम गुरु जी है, के एल गुरु जी, भारत सिंह भाई, नारायण भाई भाई, सीताराम दादाजी है, श्रीराम दादाजी, मेहता दादाजी, ननक गुरु जी, इतवारी दादाजी भाई है, घनश्याम भाई, मोहन यदु जी भाई है, पटेल दादाजी भाई, प्रेमशंकर भाई, धनाराम भाई, तुलसी माता जी, सुखिया माता जी, दया माता जी, तुलसा बहन, गोदावरी बहन, बहन सुनीता बहन, पूर्णिमा माता, नंदनी माता, तुलसी माता, लग्नी माता, ललेश्वरी माता, राधा माता और ममता ये हमारे सम्मान के भाई बहनों की लिस्ट है। आशा है कि सभी तो यहाँ बैठे होंगे, जिन जिनका नाम आया है वो सभी यहाँ बैठे उनका सबका श्रृंगार होने जा रहा है। ऐसे देवताओं की महफिल सभी की सतयुग भी इसके आगे भी जा रहा है। सतयुग की दुनिया का श्रृंगार तो परमात्मा पिता अभी से करा रहा है, सतयुग के देव देवता अभी से उतर गए इस धरती पर।
भी न पाले लाने फिर बहाले आएंगे बनाएंगे सभी इंतजारे स्वागत की गाड़ी को हम आगे लगाते हैं क्योंकि सत्यवी दुनिया के दैवी देवता भी यहाँ बता रहे हैं, तो स्वागत की गाड़ी चलेंगे अभी। और जो दैवी देवता बनाने वाला हमारा सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा है, तो मैं छोटी कन्या से, छोटी बहन से, साक्षी यादव से वो स्वागत नृत्य लेके आ रही है। सत्यम शिवम सुंदरम साक्षी बहन
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साक्षी बहन का कि हमको याद दिलाए कि हमारा जो सत्यम शिवम सुंदरम एक परमात्मा पिता है। सभी सम्मान मूर्तियों को इससे लग रहा होगा कि सच में हम सत्य में बैठ गए। लग रहा है सभी को ऐसा कि सिर पे ताज है, गले में माला है, भाइयों के सिर पर साफा है, तो हम इसी अनुभव में बैठे गए। तो मैं फूलों के द्वारा भी स्वागत हुआ। हमारी साक्षी बहन ने अपने गीतों के डांस के द्वारा भी स्वागत किया, बाबा भाई ने अपने गीत के द्वारा भी स्वागत किया। अभी शब्द सुन लो से स्वागत बाकी है। सम्मान मूर्तियां इतने सालों से सेवा जो कर रही है तो स्वागत आश्रम के हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शकुंतला दीदी जी जो आप 24 साल से इस ज्ञान में है, 16 साल से चंपारण सेवा केंद्र में सेवाएं दे रही है। तो सभी मनोदासी है अतिथि और हमारे सम्मानी माताएं और बहने भाई उनका अपने शब्द सुनने द्वारा स्वागत करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शकुंतला दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चों का सम्मान का दिन है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। तो मैं मंच पर आते हमारे बीच में हमारे इस गांव चंपारण से सरपंच जी आप यहाँ पर आए, आपका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ में मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राजीव जी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी, आपने भी अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए आए, तो आपका भी मैं बहुत गहरे से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे बीच में राजयोगी ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, आप इंदौर से हैं, तो आप भी यहाँ इस मंच पर आपने अपना समय दिया उपस्थित है, तो आपका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में शोभा भाई जी है चंपारण से, आपका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंच पर बैठे विजय भाई जी, आप भी अपना समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और साथ में आज के दिन जो यहाँ बाबा के बच्चे ईश्वरीय ज्ञान को लेते हैं, तो आज इन सभी माताओं और भाइयों का जो सम्मान है, तो आप सभी सम्माननीय माताएं और भाइयों का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा कि 13 तारीख को जो अपना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है बाबा का जो ज्ञान इस पावन धरनी चंपारण में, वैसे तो 28 साल शायद हो रहा है कि परमात्मा शिव का ज्ञान
इस पावन नगरी चंपारण में एक छोटे से रूप में शुरू हुआ था। तो 25 साल का सिल्वर जुबली जो 13 तारीख को मना रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम, उसमें सिल्वर जुबली मतलब बाबा का जो ज्ञान 25 साल जो हो रहा है, और उसके बीच में जो हमारे पहले यहाँ पर चंपारण से ब्रह्मा कुमार भाई, है ना, कुमार भाई लोग जो निकले हैं शुरू में, यहाँ से 6 कुमार हैं, मैं 6 कुमारों का नाम लूंगी, और उनके माता पिताओं का भी पहले सम्मान हो यहाँ पर, उनका तो कुमार भाइयों का कुमारियों का जो सम्मान होना है 13 तारीख को, तो उसके पहले उनके माता पिता उनका यहाँ सम्मान हो बाबा के घर में, तो आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा। तो कुमार भाई और कुमारियां निकली है और उन्हीं के माता पिता यहाँ पर उपस्थित है, और वो बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी है ना संतान उनके घर से निकले, और वो इस चंपारण से बाहर सेवा में है और यहाँ भी सेवा देते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप सबका बहुत दिल से सभी का स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला दीदी जी, और सबसे बड़े स्वागत तो आपका ही है कि आपने इस सुंदर सभा में यह भेंट की है। तो शकुंतला दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शकुंतला दीदी जी का एक बार सभी की ओर बता दो सारे सुंदर स्वागत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे मुख्य वरिष्ठ भ्राता जी आदरणीय ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी कहते हैं, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों खुशियां छा गई, आपके आने से चारों खुशियां छा गई, आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। तो ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, जो कि आप 43 वर्षों से इस ज्ञान में हैं, विशेष माउंट आबू से पधारी हुए हैं, और वर्तमान में आप इंदौर सेवा केंद्र में सेवाएं देते हैं, और विशेष आप धार्मिक प्रभाग के भी कोऑर्डिनेट हैं। तो ऐसे मैं नारायण भाई ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी से निवेदन करती हूँ कि जो हमारे सम्मानयोग्य माताएं बहने भाई लोग हैं, उनके लिए आप अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चंपेश्वर महादेव की नगरी वल्लभाचार्य जैसे गुरु, जो ब्रह्मा बाबा के भी वो गुरु थे,
ऐसे वल्लभाचार्य जिनकी जन्म स्थली चंपारण और ऐसी भूमि पर विराजमान चंपेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव की नगरी में आप सब चंपा के फूल की तरह खुशबू बिखेरने वाले सच्चे सच्चे चंपेश्वर महादेव के आप सब चमेली कहे बाबा के रूहानी फूल कहे महावीर आत्माएं कहे बाबा के नैनों में बसने वाले सितारे कहे बाबा के दिलों में विराजमान ऐसी आत्माओं का कहते हैं आपके घर में आपका ही स्वागत है स्वागत है स्वागत तो जब वो कन्या डांस कर रही थी तो गीत की लाइन थी कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है लेकिन सुंदर कौन है आगे बढ़ो जो शारीरिक रीति से सुंदर है एक तो वो भी सुंदर है लेकिन यहां आंतरिक दिल भी सुंदर होना चाहिए जो शिव को पसंद हो तो सुंदर कौन है इस कड़ी में सुंदर वो है जो चंपारण सेवा केंद्र पर आज की तारीख में पगड़ी वाले साफा वाले और ये सब माताएं बहने जिन्होंने तार तारण किया लाइट का वो ही सच्ची सच्ची रीति में सुंदर है या नहीं है पुष्पा है या नहीं है पाई के साथ ये दे और बेहतर आगे वो सोने के ऊपर और चमक लगाती तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा सोचा मैंने कि ये देश में उन आत्माओं का सम्मान पूजन होता है जो देश के लिए कुछ कुर्बान करते हैं। अभी हम देखें अभी जस्ट जनवरी मास में 26 जनवरी जो देश की गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और उस गणतंत्र दिवस पर उन शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी तो देश किनको आजाद किनको याद करता है जो देश के लिए जो औरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उनको याद करता है चाहे आप देश के एक आगे बढ़ाने में देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में योगदान दिया उसकी पूजा भारत रत्न के रूप में जैसे अभी जस्ट लता मंगेशकर जिसने शरीर छोड़ा उसने देश को संगीत की दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर लेके गए और उसको भारत रत्न से नवाजा गया जो हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति उनके द्वारा उनको नवाजा जाता है तो ये जो संसार है ये जो देश है इसमें सम्मान मानव के द्वारा मानव को दिया जाता है सतयुग से लेकर अगर आप देखेंगे सतयुग में लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के द्वारा आपका सम्मान किया जाता है द्वापर में राजा महाराजाओं के द्वारा आपको सम्मान किया जाता है कलयुग के अंत में जो देश की सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है उनके द्वारा आपका सम्मान किया जाता है लेकिन यहां जो सम्मान हो रहा है आप देख रहे हैं कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा सम्मान नहीं हो रहा है यहां जो सम्मान हो रहा है डायरेक्ट परमात्मा पिता शिव अपने ही
दिव्य बुद्धि के द्वारा जिसने स्वयं अपने संकल्पों से जिन आत्माओं को जन्म दिया है, सोचो भगवान ने आप सबको पैदा किसने किया, स्वयं परमात्मा शिव ने, तो उनकी संतान भगवान के दिलों में कितनी प्यारी होगी। सोचो आप कि ये कौन बच्चे हैं, अगर आप परमात्मा बाप बनकर के, शिव बाप बनकर के सोचो और फिर आप अपने आप को देखो, ये कौन ऐसी संतान है, कौन आत्माएं हैं, तो भगवान के अंदर कितना प्यार उमड़ता होगा, कितना प्यार उमड़ता होगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आज परमात्मा ऊपर होगा, आज परमात्मा ऐसी आत्माओं का दिल से सम्मान करने के लिए आज हमारी सभा के अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है, आप अपने महत्व शायद आप कम जानते होंगे। अभी जब हम सम्मान की बात करते हैं, क्यों इतना कहने की बात आ रही है कि कई बार हम अपना महत्व ही हम भूल जाते हैं। तो देश में उन आत्माओं का सम्मान किया जाता है, जैसे देश की आजादी के लिए अभी हम 75 साल जश्न मना रहे हैं, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी ये जश्न मना रहा है। अभी आजाद तो हुआ देश, लेकिन सच्ची रीति से इसको आजादी दिलाने के लिए, रावण से आजादी दिलाने के लिए, उन अभियान में जिन्होंने त्याग और तपस्या बलिदान किया। अब बलिदान की जब बात आती है तो देश के ऊपर बलिदान करने वालों में जैसे गार्गी है, मैत्री है, अनसुईया है, चेन्नूर की रानी चेन्नम्मा है, वीरांगना जलकारी बाई है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली अहिल्या बाई है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सावित्री फुले है, जिन्होंने ऐसे साहसिक कार्य किए जिनको समय प्रति समय पूरा देश याद करता है। लेकिन प्रिय आत्माओं, आज जो ये आत्माएं जो ये बैठी है, और जब मैं इनके माँ बाप को मैं देखता हूं तो वास्तव में अंदर में एक बहुत प्रेम के आंसू कहो, एक सद्भाव के आंसू कहो, एक अलग तरह के एक आंसू आते हैं। और वो आंसू क्या है कि मैं शब्दों से एक कहूं, कोई माँ बाप का दिल ऐसा नहीं होगा, कठोर दिल, जो अपने संतानों को जन्म देकर और संतानों का त्याग कर दे, संतानों का बलिदान कर दे, कोई है ऐसे कठोर माँ बाप? पुष्पा मैं आप बात करते हो, ऐसे कठोर दिल वाले कोई माँ बाप है? कोई माँ बाप नहीं है, संतानों का त्याग, सोचो। लेकिन आज कितने माँ बाप ऐसे कठोर दिल वाले, है ना, थोड़ा दो मिनट धीरज रखना, ये सब माँ बाप कौन है कठोर दिल वाले? सुंदर सपन जी कौन मैडम, ऐसे कठोर माँ बाप आज ये बैठे हैं जिन्होंने अपनी संतानों का त्याग किसके लिए किया, किसके लिए किया, एक देश को, पूरे विश्व को एक श्रेष्ठ दिशा देने के लिए, एक इस देश के भाई बहनों को जीवन चरित्र ऊंचा उठाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और जब धर्म की स्थापना की बात चलती है तो हमारे सामने इतिहास के पन्ने सामने आते हैं। सिख धर्म के आपने देखा होगा, गुरु गोविंद सिंह जिनके चार बच्चे थे, दो बच्चे तो धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, और किसी कारण से उनके दो बच्चे मां के साथ बिछुड़ गए। और जब इस्लामी संत, इस्लामी शासक था उस समय, तो इस्लामी लोगों ने उन दोनों बच्चों को कैद कर लिया, और उनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, बच्चे थे, उनको कहा कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, अगर आप धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो तुमको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए।
बहुत बड़ी परीक्षा बच्चे, और उन बच्चों ने हंसते हंसते धर्म के खातिर है ना अपने को दीवारों में चुभवा दिया, हंसते हंसते। और लास्ट टाइम तक जब इतना दीवार चुभवा दी उन्होंने, तब भी कहा कि अभी भी सोच लो तुम हमारी शहादत स्वीकार कर लो, हम तुमको राजा बना देंगे। बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ये गुलामी पसंद नहीं, धर्म प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। जीना है तो धर्म के खातिर, मरना है तो धर्म के खातिर, पैदा होना है तो धर्म के खातिर। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी एक जन्म रक्षा नहीं करता, 21 जन्म रक्षा करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गायन है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। लेकिन आज ऐसे मां बाप जिन्होंने अपनी संतानों का, मैं समझता हूं आज 25 साल की जब बात चल रही है और जब हम उनकी झलक देखेंगे कुमार भाई बहन, तो कितने छोटे से रहे होंगे, नन्हे नन्हे 8-10 साल के ऐसे बच्चे ऐसी उम्र के रहे होंगे, जिनको त्याग तपस्या धर्म क्या होता है उसकी ABCD पता नहीं है। अब ऐसे नवजात ऐसे कोमल शिशुओं का त्याग करने वाले आप सब जननी कहें, आप सभी मामा साहब कहें, ऐसे मामा साहब ऐसे आप वीरांगनाएं, आप जो यहां बैठे हो बहुत बहुत आप के लिए क्या कहे, जितने शब्द कहे उतने कम है। आप तारीफ के काबिल हो, आप महिमा काबिल तो ही है, लेकिन आपकी आने वाली सदियां मंदिरों में सम्मान नहीं करेगी, लेकिन आपके नतमस्तक अपने शीश को झुका करके आपकी पूजा करेगी। इतने आप वीर महावीर आप आत्माएं जिनका सम्मान करके भगवान भी बहुत खुश हो रहा है, और ऐसी आत्माओं का सानिध्य पाकर मेरा दिल भी बहुत खुश हो रहा है। सचमुच आप तारीफ काबिल हो। मेवाड़ में एक उक्ति है, क्योंकि मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं, महाराणा प्रताप के एरिया का, मतलब वहां वीरों की गाथाएं गाई जाती है, तो कहा जाता है जननी जने तो एणो जन, जननी जने तो एणो एणो जन, जनो महाराणा प्रताप। समझ गए होंगे कि माता ऐसी माता हो जो अपने कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, उन्होंने महलों का त्याग करके जंगलों की राह ली, और कई बार ऐसी नौबत आ गई खाने के लाले पड़ गए, उनको खाना तक नहीं मिला, और जब भूख लगी तो घास फूस के पत्ते वो तोड़ करके उसकी रोटी बनाई, और वो रोटी भी जंगली मिलाव लेकर चला। ऐसी ऐसी मेवाड़ को आजाद कराने में महाराणा प्रताप ने आजीवन संघर्ष किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं। जीना है तो आजाद देश के हम आजाद वीरों की तरह जिए और वीरों की तरह मरे, कायर की तरह नहीं। तो ऐसे आप सभी सूरवीर कहे महावीर कहे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही ऐसी आत्माओं का त्याग किया। सचमुच जो जब मोर ध्वज की कहानी हम सुनते हैं, वो मोर ध्वज की कहानी प्रैक्टिकल में ऐसी होती नहीं है, पर प्रैक्टिकल में आप सब कौन हो ऐसे मोर ध्वज राजा रानी बैठे हो, जो अपने आंखों के सामने बच्चों के गर्दन के ऊपर आरी चलते हुए जो माँ बाप सहन कर ले। सोचो ऐसे आप मोर ध्वज राजा कहे महावीर आत्माएं कहे जो अपने आंखों के सामने अपनी गोद के अंदर पल्लवित संतानों का त्याग करके ईश्वरीय कार्य में आपने इन संतानों का त्याग किया था, आपने बलिदान किया, आपने मोह को त्याग किया।
सचमुच आप बहुत बड़ी महान आत्माएं, तो ऐसी आत्माओं का हम कैसे सम्मान करें, ये तो स्टेज है और मेरे पास तो दिल है और मेरे पास एक वाणी है। जहां वाणी नहीं पहुंच सकती है वहां दिल पहुंच सकता है, और जहां दिल नहीं पहुंच सकता है वहां स्वयं भगवान पहुंच सकता है। तो ऐसे आप आत्माओं का स्वयं भगवान भी सम्मान कर रहा है, और हम सब ब्राह्मण आत्माओं का दिल भी आप सभी का आज के दिन बहुत दिल से सम्मान कर रहा है। और आज के दिन चंपारण के इतिहास में मैं तो कहूंगा, न भूतो न भविष्य की, न कभी ऐसा सम्मान होगा, न आने वाले समय में हुआ है और न होगा। लेकिन 5000 साल के इतिहास में ये आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में कहें या प्लेटिनियम अक्षरों में कहें लिखा जाए, और ये अविनाशी रहेगा, केवल आजाद के लिए नहीं अविनाशी रहेगा। जो द्वापर से हम सब पूजा पाठ करेंगे तो ऐसी आप जैसी प्यार तपस्या बलिदान वाली आत्माओं की पूजन पूजा की जाए। तो आप सभी ऐसे चैतन्य अवतार देवी देवताएं यहाँ बैठे हुए हो, जिसकी नजर दुनिया वालों की नजर आप पर नहीं लगे और सदा भगवान की नजरों में आप बसे रहे, यही आप सभी आत्माओं के प्रति बाबा की ओर से एक गोल्डन गिफ्ट कहें, एक गोल्डन आपको पुरस्कार कहें, सम्मान कहें, कि बाबा की नजरों में आप और आपकी नजरों में बाबा समाये रहे, बस देश को इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे आप सभी महावीर महावीरों का बहुत बहुत हमारी आरती दीदी जी की तरफ से, जोर की तरफ से, बातदा की तरफ से, सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सिर झुकाकर पुनः पुनः नमन है, आप सभी का दिल से सम्मान है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी कि हम नई दुनिया बनाने के लिए हम नारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, भाइयों की भी है, क्योंकि शिवशक्ति के साथ साथ पांडव सेना भी गाई गई। राजस्थान की बात आई, उन्होंने बताई थी कि माना वीरान गाये महान नारियां वही माना कितना उन्होंने त्याग किया, जो की महाराणा प्रताप की इतिहास घड़ाने वाली हमारी पन्नादार, जिनका महाराणा प्रताप की इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, शायद आज वर्तमान में उनके जैसा त्याग गुरु योगदान गुरु कोई नहीं कर सकता। जब महाराणा प्रताप की बलि हिंसा आने वाली थी, बलि उनको मांगने के लिए लोग आने वाले थे, जैसे पन्नादार को पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का बेटा महाराणा प्रताप के जगह सुनाया और महाराणा प्रताप को अपने साथ लेके गए, और जो मारने के लिए लोग आए तो उन्होंने किसको मारा, वो पन्ना राय का बेटा। तो सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा बलिदान महाराणा प्रताप का इतिहास घड़ाने के लिए किसका है, पन्ना राय का। तो आज हम सभी भी यहाँ सम्मान व्रत नारियां माता बैठे हैं, तो हम सभी को ने हमने भी अपना बच्चा या बच्ची ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाई हो तो हम भी परमात्मा के ऊपर बलिया किया है, तो हम भी बनना राय है, तो बहुत अच्छा। भाई जी का भी धन्यवाद। तो चले कहते हैं, मंजिल यू ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यू ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, ऐसे ही घोंसला नहीं बनता है। तो घोंसला बनाने वाले हमारे सब माताएं बहनें और भाई लोग हैं,
घोषणा बनाने के लिए अपना भी तन मन धन सभी अपने यज्ञ में स्वाह कर रहे हैं, परिवार में स्वाह कर रहे हैं, वो बनना चाहिए समान वो भी बलिदान दे रहे हैं। तो आगे बढ़ाती हुए कार्यक्रम को अभी हम हमारे आत्मा का दिया तो परमात्मा पिता ने जगा दिया है और सभी की आत्मा चमक भी रहे हैं। तो हम स्तूल दिया चलाकर प्रोग्राम की और ही अच्छे तरह से शुरुआत करते हैं। कैंडल लाइटिंग करेंगे, सभी मंचासीन कैंडल सभी सम्मान की माताएं भाई जो अनुभव करेंगे कि हमारा भी हाथ हम भी अपने हाथों से अपने आत्मा का दिया जला रहे हैं, सभी अनुभव करेंगे। थोड़ा
डांस के लिए टाइम लगेगा हमारे उप सरपंच भाई है विजय भाई यादव जी, आप भी अपनी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हम जो सम्मान मूलक भाई बहन है उनको देंगे। विजय भाई सभी भाई बहन ने बहुत मेहनत करके इस पाठशाला को बनाया है। पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं आबू गया हूँ तो वहाँ देखा हूँ कि आबू में एक मच्छर भी वहाँ अंदर घुसते ही नहीं मिलता है, तो इतना अच्छा स्वच्छता वहाँ है। इसी तरह आज छोटी पाठशाला के रूप में चंपारण में यह बनाया हुआ निर्माण किया हुआ अच्छे से छोटे आबू के रूप में बनाया गया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं पूरे हमारे गांव के भाई बहने जो दिल्ली में इंदौर में आबू में और ज्ञान सरोवर तो भी पूछो मत कि इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद उसको वहीं रहे ऐसा टाइप का महसूस हो रहा था। तो ये सब परमात्मा बाबा जी की देन है। मुझे आज यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग आबू में ही बैठे हैं। मुझे बुलाकर सम्मान देकर मैं इस जगह पे बहुत धन्यवाद पात्र हूँ। बस इतना कहकर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय भाई जी का। तो चलिए जो हमारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीला है वहां से छोटी छोटी कन्या अपना छत्तीसगढ़ी नृत्य लेकर आ रही है टीला की कन्या।
प्रभु श्री वल्लभाचार्य की। आज बड़ा तो अंजु अभी चिंता करते हमारे मन के बैठे थे आदरणीय, अब बोल रही तो ज्यादा पानी मानो जे मुकट मिल गई। आपको बताना चाहता हूं मैं, सबसे पहली सम्मान मुरारी बापू जी विश्व प्रसिद्ध कथाकार कर रहे बच्चे रहे। दूसरा में महाराष्ट्र मराठी परिवार के आरिस अलका जी वो करते। तीसरा सम्मान और इस कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में कृषि कर्मण पुरस्कार। चौथा पुरस्कार राज्यपाल महोदय कर रही सभी दीदी बोलिस ना कि धान के बाली तो फूल कांच के लोटा और फूल कांच के बाली में कर रही। पांचवा पुरस्कार बोल रहे तो थोड़ी में आज ऐसा पुरस्कार सम्मान समारोह में गांव चंपारण के पाठशाला में हमारे मंच में विराजमान इंदौर से पहुंचे आदरणीय लड़ाई भाई साहब, मंच में विराजमान आदरणीय दीदी पुष्पलता जी, जे क्षेत्र में संचालित करते सुना था पेपर में भी हमने देखा था। हमारे मन के बीच में हमारे गांव के सरपंच श्रीमती राधिका जीतू ध्रुव जी, हमारे मन के बीच में भाई और जो बड़े आदरणीय उप सरपंच प्रतिनिधि विजय कुमार यदू जी, मंचस्थ अतिथि और मैं तो चरण स्पर्श करके प्रणाम करे में भी कमी नहीं करो। 28 साल से जब से हम देखता तब से मेहनत करते 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 बगर मच्छर की जगह में लाने वाली शकुंतला दीदी जी आपका भी बोलता हूं। आज जगह में बड़ा गर्व के साथ बैठे हैं ऐसा माता मल्ला जी प्रणाम, ऐसा पिता मल्ला जी प्रणाम है जिन अति बड़े त्याग करके हम मंच में विराजमान हमारे बहनी मन हमारे भाई मन और सबसे पहले तो हमारे माखन भाई दौवा भाई और जतेक भी बहनी एक परिवार से क्या आपके जिन बाहर में अभी ऑलरेडी नारायण भी अतेक अच्छा बात हमारे मन के बीच में रखी कि कोई कुछ बोले चल होते हैं। देश में रक्षा के लिए एक सेना जाते होकर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो सम्मान होते हैं। लेकिन आज तो मैं लगातार दीदी जी से बात करते थे आज तक तो ऐसे लगे कि हमारे गांव के 4-5 लेकर बाहर थे, लेकिन आज स्थिति देखा तो माखन भाई तो वो भाई तो जाते थे जब भी आए दिल्ली से तो वह भी कहा करता था परसों नर्सों पर घर भी जाके पूरा प्रोग्राम बता भी सुन बैठ के चर्चा करती थी। तो ऐसा त्याग करने वाला ऐसा तपस्या करने वाला काजल लिए दूसरा के लिए सबके लिए जब सम्मान कर तो बारम्बार आपने बोलना चाहता हूं कि अध्यात्म जीवन में कतई भी सुक्ति लिखा विचार की प्रसन्नता सबसे बड़ी तरह का बहुत अच्छा शब्द लिखा साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से महान हमारे पढ़े लिखे लिखा मन बेटे गुजर चिंता करना चाहिए हमारा आदरणीय नारायण भाई साहब बोला कि चिंता होनी चाहिए सबको जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं ज्ञान कहां से मिली। मैं तो शकुंतला दीदी ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं जो छोटे से छोकड़े में स्कूल संचालित करके आज अति बड़े जगह बना के आप बोले यहां बना असले में एक कारण कि मैं बहुत कम उम्र के हूं बोले तो आज नहीं अत्या ज्यादा बोले होता है आदरणीय नारायण जी ने जो पुलिस पुष्पा दीदी जी बताई बहुत हमारे ज्यादा
मेला मन में जागता सुना सकता देखा सकता वैसा ज्ञानी मन बैठे तो कर मन के सामने समर्थ कुछ नहीं हो, लेकिन ये आज बुला के सम्मान करे सत्कार करे निकले चंपारण गांव मिले आप सबके हाथ जोड़ने प्रणाम सारे संस्थान संचालित करते बोला तुमने हाथ जोड़ के प्रणाम करो कि ऐसा धर्म के काम भर समय होती रही जरूर तुम्हारे एकता आदि संस्कृति आदि महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जी का, उन्होंने भी बताया कि सबने मना कितना त्याग किया है और विशेष उसमें भी हमारे शकुंतला दीदी ने कि शून्य से विश्व तैयार किया है, तो हमारे मन के बीच में हमारे सावरण भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद होगा भी। तो चलते हैं, अभी सबको लग रहा है कि सबने तो आपकी आशीर्वाद दे दिए है, सबने अपने शुभकामनाएं दे दी है भाइयों को, अब अपने आशीर्वचन सुनाएंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन बहुत इस चंपारण न्यास के अंदर एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि ये धरनी किसकी है, चंपेश्वर महादेव की, और साथ में परमात्मा शिव की भूमि, क्योंकि उस परमात्मा शिव पिता को अनेक नामों से जाना जाता है, और जो उस पिता जिसका जो रथ लिया परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा, तो शिव के आगे नंदीगण दिखाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर बहुत भक्ति की, और भक्ति में बाबा ने कई गुरु किए, उसमें से एक हमारे वल्लभाचार्य जी, जो बाबा अपने नियम पर जो इनके नियम वो बाबा अपने जीवन में उतारते थे। तो इस नगरी ये भूमि पर इस मंच पर आज आप देख रहे हैं उस परमात्मा ने कितने महान हस्तियों को तैयार किया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को जन्म देने के बाद तैयार करते, इसलिए जीवन भर कोई बच्चा अपने माँ को नहीं भूल सकता है, इसलिए कहा गया है प्रथम गुरु माँ होती है, वो कैसी भी माँ हो पर वो उंगली पकड़ के बच्चों को चलाते एक संसार के लिए तैयार कर देती, इसलिए उसको देश का नागरिक कहा गया है। तो इसी प्रकार परमात्मा शिव पिता जो परमधाम निवासी है, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा के तन में आकर संसार की करोड़ों आत्माओं को तैयार कर रहा है, इसलिए भारत में राम राज्य की महिमा करते हैं, पर उस राम राज्यों को लाने के लिए भी कोई निमित्त आत्माएं चाहिए, जैसे देश को आजाद करने के लिए कितनी आत्माओं ने बलिदान दिया, कितने काले पानी की सजा होगी, कितने आज लड़ाई के मैदान में बंदूक के नोक पे गई आत्माएं, तो आज उस बलिदान को पूरा देश याद करता है, इसलिए साल में दो बार 15 अगस्त और 26 जनवरी जिसमें हम जिन आत्माओं को याद करते, इसी प्रकार वो परमात्मा ने इन मनियों को तैयार किया, तो ये माँ पिता कितने न सौभाग्यशाली है जो परमात्मा ने
किन आत्माओं के पास वो आत्माएं भेजा जो संसार के अंदर रात को दिन बनाने वाली आत्माएं, और इन आत्माओं का गायन आज पूरा संसार करता, या इस देश की बनिहाल जो गए वो देश ही करता है महिमा, पर इस राम राज्य के लिए जो आत्माएं अपने सर्वस्व त्याग करती है, आज वो त्याग और तपस्वी आत्माओं का गायन उस राम राज्य में देवी देवताओं के रूप में होता है, द्वापर युग में भक्ति के रूप में होता है, और इस कलयुग के अंतिम समय में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उन आत्माओं को अपने धर्म के बच्चे बनाते, अर्थात ब्राह्मण आत्माएं बनाते, और यही ब्राह्मण आत्माएं संसार के कोने कोने में जाकर शिव बाबा का संदेश देकर आत्माओं को पति से पावन बना देता है। तो कितनी सुंदर ये मनिया, या कई अमूल्य रत्न हीरे, जो आज गीत भी किसी शायर ने कहा, हीरे जैसा जीवन कौड़ी में बदल दिया। पर किसने कौड़ी में बदल दिया? जो उस परमात्मा को नहीं जानते, अपने जीवन को नहीं जानते, वही आत्माएं आज खाना खा रहे, सो रहे, आज अपना दिन ऐसा व्यतीत कर रहे शुभाराम भाई। पर ये विश्वविद्यालय है जो परमात्मा ने कहा आराम आराम है, कि इस जीवन के अंदर आज आपको, क्योंकि जीवन आप जानते हैं कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पर इस जीवन में रह के परमात्मा ने जो शिक्षाएं दी, ज्ञान योग धारणा सेवा, जब ये चारों बातों को मानते तो हमारा जीवन एक श्रेष्ठ बन जाता है, एक उच्च बन जाता है, और ऐसे उच्च जीवन की महिमाएं पूरे विश्व करती है। तो आज चंपेश्वर चंपारण में उस परमात्मा का भी मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, कि इतनी मूर्तियों को तैयार किया, और जब मैं 22 साल पहले चंपारण में आई तो हमारे संतोष भाई के गीता पाठशाला ही थी शुभाराम भाई, हाँ, तो हमारे माखन भाई, संतोष भाई और मनोज भाई, परस भाई, नानू भाई, भानु भाई, ऐसी इनकी क्लास, पर ये आत्माओं ने अपने ज्ञान योग से अपने मंजिल को प्राप्त किया, जो आज आप ये देख रहे हैं इनकी तपस्या के आधार पर। तो ऐसी तपस्वी जो हमारे माखन भाई ने कहा, बहन जी सिल्वर जुबली मनाना है ना, तो बिल्कुल, तो उनका एक संकल्प था कि चंपारण में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए, दिल्ली में तो करते हैं, मधुबन में भी करते हैं, पर चंपारण के अंदर, तो हमने कहा करो, तो आज देव प्रकाश भाई और माखन भाई का ये रोल जाता है इसके अंदर, और हमारे लाला भाई दिल्ली में रहते, माखन भाई भी दिल्ली में रहते हैं, पर वहां रहते आप आत्माओं को सकास दिया, क्योंकि प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं, और वो भी छोटे से गांव के अंदर। तो आज मैं देख देख के दम हो गई कि मैं भी आज 25 साल से धरा पर इस नगरी में आ रही हूँ, पर परमात्मा ने त्याग और तपस्या का फल आज मुझे दिखा दिया, इसलिए कहते गीता में भी कहा कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा नहीं रहो, क्योंकि वो तो मिलना ही है, पर आप पहले कर्म तो करो श्रेष्ठ, इसलिए कर्म कौन से, परमात्मा के श्रीमत के आधार पे जो कर्म करते, इसलिए हमारे भारत देश को क्या कहते, कर्म प्रधान देश, इस कर्मों को इतना महत्व दिया है, इसलिए हमारे भारत में जो भी घर में आते कोई भी अतिथि देवो भव,
मतलब हमारे घर में भगवान आए, हमारे घर में देवताएं उतरे, इसलिए पानी और चाय तो दे देते। अब उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ कहते भारत माता, और भारत के अंदर कितने राज्य है, अब उसमें छत्तीसगढ़ राज्य इसका नाम है। छत्तीसगढ़ को क्या कहते माता जी, और माँ के अंदर वो ममता रहती है, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी, कोई भी हो। हम इंसान ही नहीं तो जानवर के अंदर भी हमने देखा वो प्रेम, जो प्यार, जो सहन शक्ति, जो गुण वर्त, वो माँ हो। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा में आज इतने बोले भाली आत्माएं यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कितने भोले भाले एक कहने पर मान जाते हैं। तो आज हमारे नानू भाई ने, हमारे नानू भाई यहाँ बैठे थे और यहाँ बैठ के तपस्या करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने शिव का मंदिर बनाया, और आज भी वही लगन है उनकी शिव के प्रति, जो चंपेश्वर महादेव जाते और ईश्वरी सेवा भी करते, जो भी धन कमाते बाबा अर्थ। ऐसे इनके बच्चे भी हमारे राधे भाई, संतोष भाई, सेवक भाई, और इनके बहुएं भी जो आज सेवा में उपस्थित है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही है। तो आज ये माँ बाप का संकल्प हमारी कमला माता ने, मतलब पूरा परिवार समर्पित रूप में, ऐसे हमारे परस भाई जो आज एक कन्या की तो सगाई शादी की, पर हमारी यशोदा बहन और माखन भाई, और ऐसे हमारे मिलन भाई भी है, लखन भाई भी है, वो अपने सांसारिक दुनिया में कोई मना नहीं है, उसमें रहते भी हम परमात्मा का ज्ञान सुन सकते हैं, पर हमारे माखन भाई तो समर्पित। तो ये माँ पिता की तपस्या जो ऐसे बच्चों को तैयार किया, और आज यही बच्चे पूरे विश्व में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को भी मेरा सब सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और साथ में तो इस स्टेज पर हमारे राजीव से प्रेम शंकर भाई आए, और मुझे नाम दिखते याद नहीं, हमारे पटेल साहब है, नानू भाई है, और घनाराम गुरु जी है, कुरंजन गुरु जी है, सारे गुरु जी, कितने महान आत्माएं बैठे पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिता तुल्य ही आत्माएं जो आज इतनी सेवाओं के लिए। तो अभी तो हम चंपारण का प्रोग्राम कर रहे, अब आने वाले समय में हम नया पारा में, इन्हीं आत्माओं ने बहुत बड़ा हमारे नया पारा में हॉल तैयार किया है, जिसमें 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसका भी उद्घाटन करना है, पर कोरोना के वजह से वो नहीं हो पाया, तो चंपारण में हम लोग इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऐसे आप सभी का भी नमन वंदन है, जो आप आए, फिर 13 तारीख को अगर आप आइएगा, बहुत सुंदर प्रोग्राम है, माखन भाई की मेहनत अंगद लेके आए यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसे आज सभी को मैं शकुंतला बहन खास, मैं इंदौर गई थी, मेरे पास कोई बहन नहीं थी, तो मैंने हमारे जोन इंचार्ज आरती दीदी से कहा कि मुझे एक बहन चाहिए, तो बोली ओम शांति मन में जो बहन आपको पसंद आए वो ले लेना, वो बहन ले लेना। तो मैं पूरे कमरे में गई, मैंने कहा मुझे मेरे लिए कौन सी बहन यहाँ पर मिलेगी, कौन सी बहन, बोले तुझे जो पसंद आए यहाँ से ले लेना। बोले मैंने कहा ठीक है। तो मैं नारायण भाई पूरे कमरे में छान मारी, तो एक कमरे में बहन मिली, शकुंतला बहन, मैं कोई पहचान नहीं थी। तो मैंने कहा मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे, क्या बहन जी, मैं कहा चलोगी मेरे साथ, मैं कहा थोड़े समय के लिए, तो बोले हाँ चलूंगी। बोले तो आज देखो ये आत्मा जो आज इस नगरी में आई, तो इतने कहते पंच परमेश्वर, तो आज प्रहलाद जी को भी 5 इतने सभा में से 5 आत्माओं का ही खून लिया, और फिर लाखों की सभा में इनका खून किया। मैंने
ताकि वो बलिदान दे। इसलिए पंच प्यारे बोलते। तो ऐसे में ओम शांति बोर्ड में यही एक आत्मा मणि मिली जो मुझे एक कहने पर मान जाती है, एक कहने पर। शकुंतला बेन ने कहा बहन जी, जी बहन जी, एक कहने पर वो मान जाती, तो उसी का फल आज इतना बड़ा हर चीज तैयार हुए। मुझे इतनी गदगद खुशी हुई कि चंपारण में, क्योंकि ये विश्व की आत्मा ही यहाँ पर आती, नया कारा में थोड़ी आएंगी पर यहाँ पर आती है। तो आज परस भाई ने, नामू भाई ने, शुमारा भाई ने, जो भी यहाँ के भाई बहनों ने इसको सहयोग किया, तो ये सहयोग खाली नहीं जाएगा शुमारा भाई, हाँ पूरे विश्व की आत्माएं आएंगी, देश विदेश की आत्माएं आती है। जो हमारे नडिया जी आज नहीं है पर उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, आलिया जी यहाँ पर भी किया, मुझे नया पारा भी किया, तो आज उनका भी बहुत बहुत आशीर्वाद रहा इस नगरी के लिए। तो ऐसे आत्माएं और शकुंतला बहन को मैं दिल की कहो बहुत बहुत दुआएं है मेरी, जो आज इतना सुंदर नगरी में इतनी कन्याओं को तैयार किया, भाइयों को तैयार किया और आज विश्व की सेवा में निकले, तो इनकी भी दुआएं कितनी मिली। तो इसलिए मेरा यही नम्र निवेदन है आप सबको कि यज्ञ के साथ बने रहना है, कोई निर्विघ्न होके नहीं रहना है और बाबा के एक श्रीमंत पर चलना है, एक पर एक मत होके जो हम रोज बाबा की मुरली सुने, यही हमारे लिए दुआएं, भगवान की दुआएं कहते ले लो माता पिता की दुआएं। तो कौन सी दुआएं? उस परमात्मा की रोज मुरली सुनना, उससे योग करना, तो वही बच्चे भगवान के कार्य में मददगार है, वही आत्माएं मददगार है। तो ऐसे कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। इन सब आत्माओं को जन्म देने वाली है ना बड़ी माँ कौन है? कौन है भाई? भाई लोग सब बोलो तो सही है ना, बड़ी नाभि माँ है, माँ नहीं माँ तो वो हो गई, ये नाभि माँ है। तो पुष्पा बहन नहीं होती तो अब लंबी चौड़ी कहानी है, तो चंपारण भी नहीं खुलता, आप ही नहीं होते, तो वो बीच आने वाली कौन है? वो पुष्पा बहन। तो आप ही सब पुष्पा बहन का ताली बजाकर तो पड़दादी हो गए, कितने बच्चे हो गए देखो, पड़पोतरे हो गए आप सब, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय दीदी जी का। इसलिए कहते हैं जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। तो ऐसी हमारी अनुभवी मूर्त अभी नारायण भाई जी ने तो नाम ले लिया दादी का, तो एक बार हमारे बड़े दादी के लिए और माँ के लिए जो पालना करती है उनके लिए जोरदार ताली सुनना स्वागत करें। और हमारे पुष्पा जी जिसने भी इंदौर में गए तो सारे रूम को छान मारे, इसीलिए कोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा ढूंढ के निकाली हमारी शकुंतला दीदी जी, जो हम सभी आत्माओं की पालना करी है वर्तमान में चंपारण सेवा केंद्र में। तो उनके लिए भी जोरदार ताली से उनका एक बार स्वागत किया जाए। तो विशेषा जो हमारे देवी और देवता लोग बैठे हैं और जो भी यहाँ पर सब बैठे हैं और जिनके बच्चे और बच्चिया समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है उनका परिचय कराएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बाबा के जो बच्चे निकले और बाहर जो सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी परस भाई हैं, उनके दो बच्चे हैं है ना, माखन भाई और यशोदा बहन, जो दिल्ली में सेवा दे रहे हैं। हाँ तो यशोदा बहन आई है,
माखन भाई जी आप भी आएंगे। माखन भाई और यशोदा बहन, परस भाई और सुखिया माता खड़े हो जाएंगे। ये दो रत्न है जो दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माखन भाई जी थोड़ी वर्ष में सेवा दे रहे हैं और इंचार्ज रूप में यशोदा बहन अपनी सेवा दे रहे हैं दिल्ली में। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि माखन भाई और देव प्रकाश भाई है ना, ये दोनों का यही था कि यहाँ पर आप लोग का सम्मान है। मेरा तो ये नहीं था, लेकिन इन्हें रत्नों ने कहा कि बाबा के घर में जो ये सहयोग दिए हैं अपने भाई बहने है ना, जो तन मन धन लगाए हैं, तो इनका भी पहले सम्मान यहाँ होना चाहिए। तो इन्हीं की प्रेरणा से आपका ये सम्मान हो रहा है। फिर अपने देव प्रकाश भाई जी ने मम्मी हाँ कुर्बानी माता जी खड़े हो जाए, पापा नहीं है उनके बड़े भाई सुद्धू भाई हैं, संतोष भाई खड़े हो जाए। तो ये रत्न जो है देव प्रकाश भाई जी इन माता जी से संतोष भाई की यहाँ तुलसी भाई तुलसी बहन जो है सुद्धू भाई है, तेजराम भाई है, डबल तुलसी बहन है, ये सब परिवार है इनका। ये सब परिवार है इनका है। और यहाँ से देव प्रकाश भाई जो है मधुबन ज्ञान सरोवर में अपना सेवा दे रहे हैं, और तेजराम भाई और तुलसी बहन इनकी लड़की दिव्या बहन है ना जो दिल्ली में सेवा दे रहे हैं। ये आत्माओं को इन्होंने अपने घर से सेवा में भेजा। ये है तेजराम भाई और तुलसी बहन है ना लड़की और चाचा और भतीजी दोनों सेवा में। तेजराम भाई हाथ खड़ा करें और तुलसी बहन। देव प्रकाश भाई की मम्मी रो रही है आज, खुशी की बात है ना। देव प्रकाश भाई की मम्मी फिर अपनी गीता बहन और अंकिता बहन है ना, शुरू में हम आए तो यही लोग सेवा दिए। अंकिता बहन और गीता बहन ये भी दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं। इनके पिताजी और माताजी खड़े हो जाए, बिहारी भाई और जया माता, ये दो रत्न है इन आत्माओं से जो भेजे हैं बाहर सेवा में। तो इनका भी बहुत बहुत है ना स्वागत है। अंकिता बहन और गीता बहन गिरजा बहन कहते हैं। लौकिक नाम गिरजा है लेकिन बाबा की घर वहाँ अंकिता नाम है। फिर अपनी और दो बहनें हैं रांची बहन और हिमा बहन, आप आइए। आपकी मम्मी और पापा नलेश्वरी माता और धनसाई भाई खड़े हो जाए। ये आपकी दो पुत्री है ना, ये भी सेवा में दिल्ली में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने भी अपनी दो बेटियों को इन रत्नों को बाहर भेजा, ये दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं हरिनगर में, हरिनगर में और हरिनगर कनेक्शन से दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे।
और यहाँ जो चंपारण सेंटर के मेरे साथ रह करके जो सेवाएं दे रही है अपनी लता बहन, वो यहाँ पर आए, इतने बड़ा जो सेंटर बना है इसमें बहुत सेवा हमने साथ दिया, बाबा के घर साथ दिया। तो ये अपनी लता बहन है यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं, इनकी मम्मी और पापा, मम्मी गुना माता खड़ा हो जाएंगे, पापा नहीं आए। तो इन्होंने भी अपनी लड़की को यहाँ पर बाबा के घर में सेवा में समर्पण कर दिया। सभी का बहुत उनसे स्वागत है, धन्यवाद है। और फिर पूर्ण से अपने सतीश भाई लाला भाई जी है, अभी यहाँ पर आइए, सामने आइए। आपकी मम्मी है श्याम माता, आप खड़ा हो जाइए। ये अपने लाला भाई है, लाला भाई के बड़े भाई है दिलीप भाई, और मम्मी है श्याम माता। तो आपने भी इस रत्न को दिल्ली में समर्पण में वहाँ सेवा में दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ तो ये समर्पित हुए हैं इनका ये है। लेकिन बाबा के घर में और भी यहाँ चार कुमार निकले हैं, छह कुमार हैं, लेकिन चार कुमार यहाँ सेंटर पे हैं, मना सेवाएं देते हैं अपने।